Welcome to your YouTube channel Diva and You by Surbhi. Wait a minute, haven't you subscribed my channel yet? Well, to become lovely and my subscriber, you need to hit that red subscribe button and also the bell icon for further notifications. Please support me by doing this. Also, if you like this makeup look, आप देख सकते हैं इसे मेरे चैनल पे जहाँ पे मैंने किया है ये कंप्लीट मेकअप लुक यूजिंग जस्ट वन आई शेडो पैलेट विच इज मेकअप रेवोल्यूशन का टैमी एक्स रेवोल्यूशन पैलेट. सो द लिंक इज वेटिंग फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप जरूर उस वीडियो को चेक करें. वी ऑल लव न्यूड लिपस्टिक्स डोंट वी, बिकॉज समटाइम्स वी जस्ट वांट टू गो कैजुअल और समटाइम्स वी कैरी दैट नो मेकअप मेकअप लुक और देयर आर टाइम्स when we don't want that bold dark color sitting on our lips. पर जब भी हम कोई nude lipsticks purchase करके अपने collection में add करना चाहते हैं, we always have that fear of buying a wrong shade. The shade might not flatter you or the shade might wash you out. इसलिए हम जब भी कोई nude lipstick purchase करने का सोचते हैं तो हमेशा हमारा concern ये होता है कि वो nude lipstick हमारे skin tone को flatter करेगी या नहीं. Making it easier and simpler, मैं लेके आई हूँ आपके लिए best nude lipstick shades from Maybelline Creamy Mattes range, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत न्यूड लिपस्टिक्स जो फ्लैटर करेगी ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन्स को और कैसी दिखने वाली है अक्रॉस स्किन टोन्स आपके ऊपर मैं लिपस्टिक शेड्स के साथ आपको वीडियो में वो मेंशन करूंगी. ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कि अगर आपने गलती से कोई न्यूड लिपस्टिक का रॉन्ग शेड अपने लिए परचेज कर लिया है जो आपको वॉश आउट कर देती है तो आप उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं. तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का वीडियो फॉर ऑल माय डिवास. सो वीडियो में प्लीज एंड तक बने रहें. आज के वीडियो में जो न्यूड लिपस्टिक्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ ये मेबेलिन क्रीमी मैट्स रेंज के बहुत ही फेमस शेड्स है एंड मेबेलिन कीप कमिंग विद डिफरेंट रेंजेस लाइक क्रीमी मैट्स पाउडर मैट्स बट उसके शेड्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं. तो मैंने पिक की है चार न्यूड लिपस्टिक्स आप सबके लिए जो मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूड लिपस्टिक मेरे पास है यहाँ पर मेबेलिन पाउडर मैट रेंज से शेड नंबर आलमंड पिंक जो कि मैंने अभी अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर रखी है. तो पहले देखेंगे हम लिपस्टिक का हैंड स्वॉच उसके बाद मैं आपको इन चारों शेड्स के लिप स्वॉचेस भी दिखाने वाली हूँ. आप सबसे इन सारे शेड्स के बारे में जो मैंने अभी आप सबको स्वॉच करके दिखाए अपने हैंड पर भी और अपने लिप्स पर भी. पर शेड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं आपको बता देती हूँ उस ट्रिक के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो अगर आप कोई रॉन्ग शेड परचेज कर लेते हैं जो आपको वॉश आउट कर देता है तो आप उसे बहुत ही इजिली फिक्स कर सकते हैं. लाइक कि मैंने अभी अपने लिप्स पे अप्लाई कर रखा है जो कि मुझे वॉश आउट तो नहीं करता है पर इट्स काइंड ऑफ न्यूट्रल शेड जो कि ऐसा शो अप नहीं हो रहा मेरे लिप्स के ऊपर. तो आपने जैसा शेड लिया है उस कलर का एक डार्क लिप लाइनर लेके अपने लिप्स को अच्छे से लाइन कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैंने अपने लिप्स को लाइन कर लिया है और वो शेड अब स्टैंड आउट करने लगा. तो आप एक लिप लाइनर की हेल्प से ऐसे किसी भी शेड को फिक्स कर सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपको वॉश आउट कर देता है. सेकंड, आप किसी डार्क लिपस्टिक के ऊपर अपने लिप्स के सेंटर में
जो भी शेड आपको लगता है कि आपने रॉन्ग परचेज कर लिया है उसे अप्लाई करके आप अपने लिप्स पे ऑम्ब्रे इफेक्ट दे सकते हैं। थर्ड टिप ये है कि आप उसे अपने किसी भी डार्क लिपस्टिक के साथ टीम अप कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे शेड्स की, तो आलमंड पिंक जो शेड है वो बहुत ही खूबसूरत सा लाइट पिंक कलर का शेड है, जो कि फेयर स्किन टोन पे बहुत ही खूबसूरत लाइट पिंक आने वाला है और मीडियम टू डस्की पे बहुत ही खूबसूरत पिंकी न्यूड शेड आने वाला है। सेकंड, पिंक अंडरटोन में ही हमारे पास है टच ऑफ स्पाइस शेड, जो कि बहुत ही खूबसूरत लाइट पिंक है अगेन, पर इसमें बहुत सारे हिंट्स ऑफ पर्पल भी हैं। सो टच ऑफ स्पाइस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल शेड, पर आलमंड पिंक और टच ऑफ स्पाइस बहुत ही डिफरेंट है। ये मैंने अपने रिस्ट पे जो स्वॉचेस दिए हैं इसका एक क्लोजअप पिक्चर मैं वीडियो में अटैच कर दूंगी, जिससे आपको सारे शेड्स के कंपैरिजन बहुत ही क्लियरली दिख जाएंगे। मूविंग ऑन टू शेड टोस्टेड ब्राउन, तो बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन है विथ हिंट्स ऑफ ऑरेंज, दैट रस्टी कलर, जो कि फेयर स्किन टोन पे बहुत ही खूबसूरत सा रस्टी ब्राउन दिखने वाला है और मीडियम टू डस्की स्किन टोन्स पे बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन न्यूड दिखने वाला है। लास्ट आई हैव दिस न्यूड नुआंस, जो कि अगेन एक ब्राउन कलर है, बट दिस शेड हैज मोर ऑफ हिंट्स ऑफ चॉकलेट इन इट, तो ये थोड़ा सा चॉकलेटी साइड पे आ जाता है, जो कि एक बहुत ही वार्म कलर है और फेयर स्किन टोन्स पे बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन न्यूड दिखने वाला है। मीडियम स्किन टोन्स भी जा सकते हैं इस शेड के लिए, पर डस्की स्किन टोन के लिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, इट माइट वॉश यू आउट। तो दिस वॉज ऑल स्वॉचेस, हैंड एंड लिप स्वॉचेस ऑफ ऑल दीज न्यूड लिपस्टिक्स, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। ये चारों शेड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत से न्यूड शेड्स हैं। दीज आर ड्यूप्स ऑफ हाई एंड ब्रांड लिपस्टिक्स, हाई एंड ब्रांड की लिपस्टिक से काफी मिलते जुलते शेड्स हैं। ऑल्सो एक और चीज मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि दीज लिपस्टिक्स आर वेरी वेरी सॉफ्ट इन टेक्सचर, मूजी इफेक्ट है, आपके लिप्स पे ग्लाइड कर जाती हैं। पर एक चीज मैं बता दूं कि आप जब भी ये लिपस्टिक अप्लाई करें, बुलेट को बहुत ही थोड़ा सा ओपन करें और अप्लाई करें। अगर आप इसे ज्यादा खोलेंगे या फिर ज्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका बुलेट ब्रेक हो सकता है। इन सारे लिपस्टिक्स के परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। आपको जो भी शेड पसंद आता है यू कैन गो फॉर इट, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं ये सारे लिपस्टिक्स आपको, रेंजिंग फ्रॉम 300 to 450 rupees। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से जरूर पूछें, मैं जरूर आंसर करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।